सिंपली दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डायरेक्टली वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर देखते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप सिंपली यहां पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या दोस्तों ऑलरेडी आप यहां पर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं तो सिंपली आपको यहां से लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर। और न्यू यूजर है तो सिंपली आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा है भरने के लिए, जो आपके आधार कार्ड में नाम है नाम भरना है, और आधार कार्ड में जो भी फादर्स का नाम है वो भरना है, मदर्स नाम भरना है, उसके बाद आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है वो यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद आपको एड्रेस में कुछ यहाँ पर फिल कर देना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं जो परमानेंट एड्रेस आपका जो भी आप जहाँ रह रहे हैं अभी वर्तमान में वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं वो स्कूल किस जिला के अंतर्गत है, बिहार में जो भी जिला के अंतर्गत है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। बिहार के जो भी जिला में वो स्कूल है उस स्कूल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, नहीं उस जिला को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वो स्कूल किस प्रखंड में है उस जिला के अंतर्गत, उस प्रखंड को यहाँ पर कलेक्ट कर मतलब सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं उसको आपको यहाँ पर चूज करना होगा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं जो 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास के छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा, उस ज़िला में जो भी आप स्कूल से हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। सिंपली आपको जब आप ज़िला को सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर स्कूल का डिटेल चलेगा, आप उस ज़िला में जो भी स्कूल से हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल यानी मोबाइल नंबर आपको फिल करके सबमिट पर क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से आपके मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। पहले OTP भरा किया जाता है, उसके बाद आपको OTP के माध्यम से जैसे ही सबमिट करेंगे आपको OTP वेरीफाई करेगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो सिंपली आपको इसको कहीं नोट कर लेना, और नोट करने के बाद सिंपली आपको यहां पर जो लॉगिन इन हेयर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है मैसेज के माध्यम से आपको भेजा गया वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है, जैसा कि आप यहां पर देखते हैं। तो जैसे ही आपको टाइम ऊपर में देख लेंगे आपका टाइम यहां पर 3:54 से ये गेम स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको यहां पर टूटेड चैलेंज का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आप 3 बजे के बाद यहां से गेम प्ले करके खेल सकते हैं। तो सिंपली आपको गेम खेलने के लिए यहां पर 2-day क्रॉसवर्ड चैलेंज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहां पर गेम खेलेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखते हैं जो योर स्कोर यानी आप जब गेम खेलेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं, आपका स्कोर क्या आया और क्या परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप देखते हैं प्रीवियस क्लोज आंसर जो दिया गया है यानी आप जो भी क्वेश्चन आप दिए थे उसका आंसर आपको यहाँ पर गलत दिए दिए, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर चैंपियन गैलरी का ऑप्शन मिलता है जो आप यहाँ पर देखते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी चैंपियन हुए हैं आज के वो उस पर क्लिक करेंगे 2-day पर, तो आपको यहाँ पर देखते हैं जो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यानी योर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो आपके ज़िला के जो भी हैं चैंपियन वो यहाँ पर टोटल लिस्ट यहां पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहां पर देखते हैं। तो इस यहां से बैक आने के बाद आपको और बहुत सारे इंटरफेस आ रहे हैं, जैसा कि आप देखते हैं कॉन्टैक्ट और इन्फ्रेंस चेक इन बटन, ये आपके कोई काम की नहीं है। तो सिंपली आपको गेम खेलने के लिए आपको 2-day क्रॉसवर्ड चैलेंज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितना कम समय में जो भी आपको आंसर देना है वो आप यहाँ पर देखते हैं। सिंपली आपको मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसा कि आप देखते हैं जो योर स्कोर फॉर 2-day जो 100 स्कोर हुआ है, आप देखते हैं रैंक आउट की बात करते हैं तो यहाँ पर यानी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये रैंक अच्छा नहीं आया, जैसा कि आप देखते हैं जो आपको एक ही बार मौका मिलता है, जो आप देखते हैं यहाँ से ऐसे इस तरह से गेम खेलते हैं इसमें। यानी कि दोस्तों दिन में आपको एक ही बार ये मौका दिया जाता है आपका विजेता बनने का, वो भी आप खो भी देते हैं, तो अच्छे से इसको आपको जवाब देना। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ रहा जो मेरा रैंक दिखा रहा है और स्कोर दिखा रहा है, यानी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो था सही नहीं हुआ। तो इस तरह से आप पर डे जो आप 3 बजे के बाद इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड की
हर अपडेट आपको हर हमेशा मिलती रहती है। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का आपके सामने लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप देखते हैं मैंने यहाँ पर हज़ारों जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसका रिप्लाई भी दे देता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको ज्वाइन किए हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्कूल से संबंधित आप यहाँ पर रिप्लाई देखते हैं जो दिया गया आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। और जो भी अपडेट आ रहे हैं वो भी मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।